हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए आज ये मेरे सामने आप गुलाब देख रहे हैं। आज इन पर मैं थोड़ा सा काम कर रही थी तो थोड़ा सोचा आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि आपके भी गुलाब की यही कंडीशन होगी, क्योंकि इन्होंने गर्मियों भर फ्लावरिंग की है। कुछ दिनों से तेज़ गर्मी पड़ने लग गई थी तो इन्होंने अपनी फ्लावरिंग रोक दी और ये पत्ते वर्ण होके जल के, यानी कि धूप से ये सब झड़ गए थे। अब ये दो चार दिन से बारिश पड़ी है तो देखिए इन सब ने अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर दिए। देखिए हर जगह से इन्होंने अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर दिए। देखिए इधर से भी हो रही है और इधर भी, देखिए सब पे हो रही है चारों तरफ ये सारी। इसने तो पूरे ही पत्ते गिरा दिए थे, लेकिन अब ये नोड एरिया से जैसे जैसे जहाँ जहाँ से वो पत्तियाँ थी वहाँ से इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो मैंने कल इनकी गुड़ाई कर दी थी, थोड़ी मिट्टी को हवा लगा दी थी क्योंकि दो दिन बारिश हुई है खूब लगातार। और देखिए इधर भी हो, यानी कि सब ने अपनी नया फुटाव चालू कर दिया है। और मैं इसमें थोड़ा काम कर रही थी, थोड़ा फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया था गर्मी की वजह से, कई काफ़ी टाइम हो गया था इन्हें, क्योंकि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही ऐड कर रही थी। इसमें मैंने क्या किया, ये लाल मिट्टी में थे तो लाल मिट्टी एक तो नुकसान करती है हमारे पौधों को, और दूसरा फिर मैं गर्मी की वजह से कम छेड़छाड़ कर रही थी पौधों के साथ। तो अब थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है तो मैंने सोचा ये जितनी भर, ये दो गमले मेरे देसी गुलाब के, ये हाइब्रिड गुलाब है और ये दो देसी गुलाब के हैं, तो इनकी तो मिट्टी सही थी, एकदम भुरभुरी थी दोनों की, और इनकी ये थोड़ा लाल मिट्टी में थे तो मैंने इनकी लाल मिट्टी जहाँ तक मेरे को हो सकता था, मैंने कि ज़्यादा रूट ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि मौसम का पता नहीं है कब चेंज हो जाए, तो मैंने जितनी हो सकती थी मैंने लाल मिट्टी निकाल के यहाँ इसकी फेंक दी। मैं सोचा आप, चलो आपको भी बता देती हूँ। तो मैं अब इसमें क्या करूँगी, जितना भी मेरे को लंबी लंबी ब्रांच थी वो काट दी हैं, जैसे यहाँ से ये काटी है एक, देखो इधर से काटी है ये, और एक इधर से भी काटी है ये, और देखिए ये इस टाइम पे कटिंग का भी बहुत अच्छा टाइम है। और देखिए इसने ऑलरेडी पहले से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है कटिंग ने भी, देखिए चारों तरफ से। तो मैं इसको कटिंग भी लगा दूंगी इसकी, और बढ़िया कटिंग है, और हमें ऐसी ही कटिंग चाहिए होती है गुलाब की लगाने के लिए। तो अब मैंने इसमें ये फर्टिलाइज़र तो मिक्स कर लिया है, आपको बताने से पहले मैं फिर भी बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिया है। इसमें मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया है, और एक चम्मच मैंने DAP लिया है, और दो तीन चम्मच मैंने ह्यूमिक एसिड लिया है, बोन बीन लिया है, और जाइम लिया है दो चम्मच। ये सब मैंने मिक्स कर लिया, और ये आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मैंने इसमें फंगीसाइड डाला है क्योंकि गुलाब पे हमारे पे बहुत जल्दी फंगस लगता है, और फंगीसाइड मैं इधर भी लगाऊंगी, ये जो मैंने तीन कटिंग काटी हैं इन पे, क्योंकि ये यहाँ से कोई फंगस लग के हमारे पौधे को यहाँ से जड़ तक ख़राब ना कर दे, तो इस पे मैं साफ का फंगीसाइड लगाऊंगी। इसमें फंगीसाइड है तो पहले हमें करना क्या है, क्योंकि हमने ये काफ़ी हद तक ये खाली कर लिया है, कम से कम हमने ये 50% ही 60% खाली कर लिया है गमला, मिट्टी हटा दी है यहाँ से। तो हमें क्या करना है, ये मैंने इनकी मिट्टी फेंक दी है, मैं इसको दोबारा रीयूज नहीं करनी थी मेरे को, मैंने फेंक दिया। मैं ये इसमें नई मिट्टी यूज करूँगी ताकि हमारे गुलाब की ग्रोथ अच्छे से हो। और देखिए पहले मैं इसमें मिट्टी डालूँगी थोड़ी थोड़ी, ताकि मैं फर्टिलाइज़र दूँ तो डायरेक्ट रूट पर ना लगे, क्योंकि अभी मौसम पता नहीं है आज कैसा है कल कैसा है, तो थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी डाल लेती हूँ उनकी जड़ों पे इस तरीके से। और आपके भी गुलाब हैं तो उन पे आप बेझिझक इस टाइम पे काम कर सकते हो, क्योंकि मानसून अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो जैसे जैसे मानसून होगा बढ़ता जाएगा तो आपकी गुलाब की ग्रोथ अच्छी रहेगी। इस तरीके से मैं मिट्टी डाल लेती हूँ सारे में, जब आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने मिट्टी डाल ली है सारे गमलों में। और एक ज़रूरी बात आपसे कहनी है, क्योंकि अगर आप गुलाब लगाते हो तो मिट्टी के ही गमलों का चुनाव करें, एक तो ये इनके ये ठंडे रहते हैं और गुलाब को थोड़ा ठंडा ही पसंद है, ठंडी जगह, और ठंडी जगह तो हम
कर नहीं सकते क्योंकि टेरिस में रहते हैं ये ऊपर। और इससे अच्छा है हम इनको ठंडा गमला दे दें। तो मिट्टी का गमला वैसे पौधों के सारे पौधों के लिए बेस्ट होता है। ज़्यादातर मैं दो ही तरह के गमले यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक के और उसके मिट्टी के, सीमेंट के भारी गमले होते हैं। मैं बार बार इधर उधर उठाती रहती हूँ तो मेरे को ये अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। और वीडियो पूरा देखना, और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत वो हिम्मत देता है, आगे वीडियो बनाने के आइडियाज़ देता है। और कमेंट भी कीजिए। देखिए अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाल लूँगी। सब पे मिट्टी में से मैंने जड़ें ढक ली हैं, जितनी भी जड़ें थी इसमें। अब हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे और रूट से दूर दूर डालेंगे इस तरीके से। देखिए साइड साइड में एक एक मुट्ठी डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए इसमें भी डाल देते हैं और थोड़ा रूट से साइड साइड में, एकदम से रूट के पास ना पहुँचे। देखिए इसमें कांटे होते हैं, थोड़ा संभाल के करना है काम इस तरीके से। अगर आपके गुलाब हैं तो आप जल्दी से कटाई छटाई रीपॉटिंग भी कर सकते हो। अब इस टाइम पे अच्छे से बारिश होगी तो अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेंगे अपनी। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूँगी क्योंकि डायरेक्ट धूप से इन पे कोई असर ना पड़े। देखिए इस तरीके से। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए इस तरीके से। और फर्टिलाइज़र अब हमारा इसमें ये धीरे धीरे डीकम्पोस्ट होता रहेगा, जैसे कि DAP है, जाइम है। अब सबके गुण आपको पता है, अप्सम साल्ट, इसमें DAP, अप्सम साल्ट, जाइम और तुम्हारा ह्यूमिक एसिड, बोन मील, यानी थोड़ा थोड़ा मैंने सारे फर्टिलाइज़र ऐड कर लिए हैं। अगर पौधों का शौक रखते हो तो आपको ये फर्टिलाइज़र खरीदने ही पड़ेंगे। बोन मील वगैरह जो भी हैं, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें सबको डाल देना है, क्योंकि किसी में कैल्शियम होता है, किसी में नाइट्रोजन होता है, किसी में फास्फोरस होता है। तो हमारे इस टाइम पे पौधों को ग्रोथ के लिए, क्योंकि सब की ज़रूरत है सारे फर्टिलाइज़र की, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा सबको मिक्स करके डाल देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। देखिए बताना मेरे गुलाब की केयर अच्छी लगी हो तो। और अब देखना इस पर जितनी भी है साइड में, इसने गर्मी में इसने फ्लावरिंग करी है और सब पे अब देखिए, आप देख सकते हो सब में नई नई फुटाव चालू हो गई है। ये अब हेल्थी फुटाव होगा इनमें हर तरफ। इसमें भी दिखाऊं तो आपको, इसने भी चालू कर दिया, देखिए साइड में नीचे नीचे से निकल गई है। इसमें भी देखिए हर तरफ। तो ये हमारा परफेक्ट टाइम है इनके साथ काम करने का। और ये देखिए ये उगाए थे, ये मैं गेंदे के प्लांट है मैरीगोल्ड के, इन्हें भी मैं किसी और गमले में लगा दूँगी क्योंकि गर्मी थी तो मैंने किसी गमले के साथ छेड़छाड़ नहीं की, बहुत झुलस रहे थे। अब बारिश से थोड़ा राहत मिली है इनको। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।